हम अपने कैसे इम्प्रूव करें डिटेलिंग को अच्छा कैसे करें, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज्यादा टाइम हमको नहीं देता है डिटेलिंग के लिए, राइट। हमको सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट का ही टाइम मिलता है, उसमें ही हमको डिटेलिंग करना होता है। तो डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मेरे हाथ में विजुलेट है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसके थ्रू कि कैसे आप अपनी डिटेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिटेलिंग इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको इस विजुलेट को ना हैंडल करना आना चाहिए। मेरे पास एक कंपनी का विजुलेट है, इस विजुलेट का यूज करके मैं आपको बताऊंगा इसको। सबसे पहले पकड़ने का तरीका है वो आप समझ लीजिए। कभी भी मैं भी बैठा हुआ हूं, अगर मैं खड़ा होता हूं तो ये विजुलेट थोड़ा सा मेरे नीचे होता, मतलब इस साइड पे होता। अगर मैं खड़ा होकर डिटेलिंग कर रहा हूं या आप लोग खड़े होकर डिटेलिंग करते हैं, तो अगर मैं बैठा हूं तो इसको यहाँ कंधे के बराबर आप इसको रख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप इसको पकड़ना सीख लीजिए। अगर आपके पास दो टाइप के विजुलेट बेसिकली होते हैं, या फिर इस डायरी वाले मॉडल का विजुलेट होगा, या फिर स्पाइरल जो ऐसे करके आता है, स्पाइरल वाला हैंडल करना काफी ज्यादा इजी होता है, उसको पीछे से पकड़ा जा सकता है या फिर इसके अंदर हाथ डाल के पकड़ा जा सकता है। वो आजकल चलन में बहुत ज्यादा कम हो गया है तो वो नहीं यूज होता, बट ये डायरी वाला मॉडल जो डिटेलिंग विजुलेट होता है वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी डिटेलिंग की, तो आपको पकड़ना है इसको ऐसे, पीछे कुछ इस तरह से टिक लगाना, पीछे ऐसे कुछ टिक लगाना होता है, और इसको अपने अंगूठे के दम पे इसको टिका के रखना होता है ताकि ये डिसबैलेंस ना हो, इधर उधर ऐसे घूमे ना। हाँ, डिटेलिंग करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेडिकल रेफ मिस कर देते हैं, वो ये है कि जब हम डिटेलिंग करने के लिए ऐसे ब्रांड्स ओपन करते हैं, मान लो कोई भी मैं ब्रांड ओपन कर रहा हूं, तो जब डिटेलिंग करने के लिए ओपन करते हैं पेज को ना, तब तो ये सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही डिटेलिंग करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे घूमता जाता है। डॉक्टर मेरे सामने बैठा है और ये पेज कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ इधर दिखने लग जाता है। इसका रीजन होता है कि हम खुद भी इसके अंदर देखना चाहते हैं। एंड सेकंड, मेरे पास पॉइंटर है, पॉइंटर का यूज करना है जब भी आप डिटेलिंग करेंगे, तो ये मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को पॉइंटर का यूज करना, पॉइंटर का यूज करते समय ध्यान रखना है डॉक्टर कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको आपको पढ़ाना है। पॉइंटर का सिर्फ एक मतलब होता है आपको एक इंडिकेट करना, भाई इधर देखना है या यहां देखना है। कभी भी अगर मैं ब्रांड के लिए बोल रहा हूँ कि चलो लूना कास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को रखूंगा। अगर मैं इसके पंच लाइन को यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब ये ब्रांड नेम होता है ऊपर इंडिकेशन, उसको पंच लाइन, सॉरी ब्रांड नेम, उसके बाद पंच लाइन के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है कि इस मेडिसिन के अंदर या इस ब्रांड के अंदर जो साल्ट है उसका बेसिक वर्क क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ दिया होता है। इसके बाद इसके मेन हाइलाइट्स यहाँ पे नीचे दिए होते हैं इस साइड में, या फिर इंडिकेशन के तौर पे यहाँ पे, ये अलग अलग विजुलेट में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कंपनी जैसे भी डिजाइन करे, राइट। बट इस विजुलेट के अंदर हम देखें तो इस ब्रांड को देखने के बाद यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है, इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये वाला ब्रांड जो है, जब खांसी आती है, छींक आती है, जुकाम टाइप का होता है या एलर्जिक टाइप की कंडीशंस होंगी, तो उसके अंदर यूज किया जाएगा। ऐसा पिक्चर देखने का मतलब, देने का पर्पज यही है। तो इस पिक्चर को सिर्फ देखने मात्र से ही पता चल जा रहा है कि लूना कास्ट बेसिकली कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यह जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, डॉक्टर भी इससे देख के तुरंत समझ जाता है, प्लस जो मेडिकल रेप्स होते हैं वो भी देख के समझ जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डिटेलिंग के ऊपर। अब इस टाइप के आप हैंडल करेंगे इसको, यहाँ पे कोई भी पेज आप ओपन कर सकते हैं। इसी ब्रांड का हम एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर चैम्बर के अंदर जब भी जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल रेप की हाइब्रिड क्या होती, गए अंदर गए चेयर खाली रहेगा बट वहां पे बैठेंगे नहीं, ये बहुत ही बैड हैबिट है। मैं बताऊं आपको, चेयर खाली है तो आपको पहले कंफर्ट सिचुएशन के अंदर बैठना है, बैठने के बाद फिर डिटेलिंग करना है। लेकिन होता क्या है कि हम सरमोसरमी बस बैठते ही नहीं, तो कोशिश ये करिए अगर खाली है चेयर तो आप बैठ जाइए, बैठने के बाद तुरंत विजुलेट निकाल लीजिए। बैक प्लानिंग आपकी कॉल स्टार्ट होने से पहले, जब वेटिंग एरिया में था तभी हो जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जरूरी है कि आप इसके अंदर जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम इंडिकेशन की बात करें, आप ब्रांड के नेम की बात करें, उसके अंदर जो कंपोजिशन ऐड किया गया है उसकी बात करें, यहाँ पे जो ब्रांड के डिटेल्स दिए गए हैं, जो साल्ट है वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या खास बात है, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी यहाँ शेयर किया गया होगा, मतलब हर एक कंपनी का अलग प्रोफाइल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें कंपनी शेयर कर रही होती है, राइट। आपको शायद विजिबिलिटी है नहीं प्रॉपर, ऐसे शायद आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे जो ये पॉइंट्स फ्रेंड दिए हुए हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये क्या होगा, ये वाले पॉइंट्स है ना, वो एक दिन के अंदर कभी भी ना याद नहीं होगा, इसको ना घर पे आपको कम से कम नहीं तो 15 मिनट या आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। प्रैक्टिस कैसे करना है,
डिटेलिंग के लिए अब आपको सिर्फ एक लाइन, जैसे यहाँ पे दो साल्ट डाला गया है, एक फेक्सोफिनाडिन, दूसरा मोंटेलुकास। तो फेक्सोफिनाडिन का एक पॉइंट लेना है, दूसरा मोंटेलुकास का एक पॉइंट लेना है, और डेली डिटेलिंग में यही सिर्फ दो पॉइंट बोलना है यहाँ से, बस इससे ज्यादा पॉइंट हाईलाइट नहीं करना। ऐसा ही प्रैक्टिस करना है पूरे महीने, डेली डेली एक एक पॉइंट ऐड करते जाएंगे, एक महीने के अंदर जितने भी पॉइंट है ये सारे आपको याद हो जाएंगे, और विद इन 1 मिनट आप ब्रांड की डिटेलिंग कर लेंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो 2 से 3 मिनट भी अलाउ करते हैं, अगर आप वहां पे काम की बात कर रहे होते, डॉक्टर के फायदे की बात कर रहे होते बिना विजुलेट दिखाए हुए। अगर विजुलेट दिखाने के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो फिर पूरा ब्रांड डॉक्टर नहीं सुनेगा, वो सुनना चाहता आपसे आप क्या खास बात बताने वाले हैं। तो पॉइंट जो निकल के आते हैं वो यहीं से पॉइंट निकाले जाते हैं, ये ओवर द एक्सपीरियंस ओवर द प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे मैं एज एवीएम अगर मैं किसी मेडिकल रैप के साथ जाऊंगा, मुझे विजुलेट देखने की जरूरत नहीं है कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ, वो मुझे पहले से मालूम है कौन से की पॉइंट मुझे बोलने हैं, वो मुझे पहले से पता, उसी चीज को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि इस विजुलेट को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने ब्रांड्स के बारे में जानना है, ठीक है, पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है, अपने कस्टमर के बारे में जानना है, कौन सा कस्टमर इरिटेट हो जाता है, कौन सा कस्टमर सुन लेता है पूरी डिटेलिंग, कौन सा टाइम देगा कौन सा टाइम नहीं देगा, किसकी कॉल में बैग लेके जाना है, किसकी कॉल में बैग लेके नहीं जाना है, किसकी कॉल रिमाइंडर, कस्टमर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपको अपना जो ये विजुलेट है इसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो बना के, मेरे पास मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल को किसी बॉटल या किसी तरह ऐसे फिक्स कर दूंगा और अपना वीडियो सेल्फी कैमरे से अपना वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद इसको खूब प्रैक्टिस करनी है, वीडियो बनाना है, देखना है, बनाना है, देखना है, बनाना है, देखना। और बनाना कैसे, जैसे आप डॉक्टर को डिटेल करते हो, मतलब कैमरे को या फिर अपने मोबाइल को डॉक्टर मान लेना है और इस चीज को यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं इस ब्रांड की बात करूँ, डॉक्टर इन एलर्जिक राइनाइटिस एंड अर्टिकेरिया प्लीज प्रिस्क्राइब लूनाकास्ट ब्रांड ऑफ फेक्सोफिनाडिन 120 mg एंड मोंटेलुकास्ट 10 mg। लूनाकास्ट द पावरफुल मैनेजमेंट इन कन्वेंशनल एलर्जीज। अब यहाँ पे जो पंच लाइन दिया गया है फ्रेंड, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और आपके ये बोलना भी है। मैं रैंडम ही ऐसे ब्रांड सेलेक्ट किया, मैं डिटेलिंग नहीं करता तो मुझे ये याद नहीं है ब्रांड, राइट, बट आप डेली करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट दिए गए हैं, तो ये वाले पॉइंट भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके याद करना है। इसका डोजेस आपको पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो इसके इंडिकेशन है ये आपको पता होने चाहिए, आपको ये मोबाइल से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, वो है इसके अंदर जो डिजीज दिए गए हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस। अभी एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कैसे होता है एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस किसको बोलते हैं, क्या इसके अंदर सिम्टम्स दिखता है, बेसिकली कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अर्टिकेरिया लिखा हुआ, तो अर्टिकेरिया क्या होता है, राइट, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे और भी टाइप के यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस दिए गए, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, पेरिनियल राइनाइटिस एसोसिएटेड विद द अस्थमा, मतलब ये सारी चीजें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको डिजीज के बारे में पता रहेगा तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे प्लस कोरिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ब्रांड के अपने यूएसपी के बारे में पता होगा, जैसे इस ब्रांड के अंदर यूएसपी क्या है, इसका टैबलेट साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपके प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंपिटिटिव एडवांटेज, आपका ब्रांड दूसरे के ब्रांड से अच्छा क्यों है। जनरली ये विजुलेट के ऊपर हाईलाइट किया जाता है या फिर विजुलेट के अंदर जैसे यहां नहीं दिया गया, कंपनी इसको बताती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है या जो आपके एवीएम्स होते हैं वो ज्वाइंट वर्किंग पे आते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर क्या यूएसपी है, यूएसपी कलर, टेस्ट, फ्लेवर, प्राइस, डिजिटलाइजेशन रेट, बहुत सारी चीज का हो सकता है। तो आपके ब्रांड के अंदर कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है उसको आप शेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, ये सारी चीजें, ये पॉइंट वैसे मुझे पहले बताना चाहिए था, वो है आरसीपी, ये प्रॉपर करके डॉक्टर को कौन सा ब्रांड बताना है अगर आपको क्लियर पता रहेगा, और कौन सा ब्रांड वो लिख रहा है अगर वो चीज आपको पता है, राइट, देन क्या है कि बहुत अच्छे से आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट शेयर कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि डॉक्टर कौन सा ब्रांड पहले से प्रिस्क्राइब कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव ब्रांड कभी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कभी भी आप बता ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये फ्रेंड मैंने आपके साथ 5-7 पॉइंट शेयर किए हैं, अगर आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर चैम्बर के अंदर डिटेल करते हैं, और ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 महीने अगर इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेंगे, आधे घंटे घर पे और 1 पॉइंट ऐड करके डॉक्टर चैम्बर के अंदर, तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपकी डिटेलिंग इतनी याद हो जाएगी आपको कि इस विजुलेट के अंदर किसी भी पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूजुअली ये सभी के पास साथ में होता है, बस सिर्फ दिक्कत यही होती है मेडिकल रैप्स क्या करते हैं कि जो पॉइंट छोटे छोटे दिए है ना उसको डॉक्टर चैम्बर के अंदर बोलते नहीं है,
जिसकी वजह से वो पॉइंट्स याद नहीं रहता। जब कभी भी डिटेलिंग कंपटीशन होता है, जब कभी भी मीटिंग के अंदर डिटेलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या टेस्ट होता है, और वहां पे वो विन नहीं कर पाते, राइट। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस मार्केट के अंदर करते रहेंगे तो आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी कोई भी पूछेगा आप बिना विजुलेट के ही डिटेलिंग कर ले जाएंगे। अब बिना विजुलेट के डिटेलिंग करने का अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, चीजें पता है, लाइन को कनेक्ट करना आता है, तो यस आप एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट पोजिशन के लिए भी, क्योंकि मैनेजर्स विजुलेट यूज नहीं करते हैं जल्दी, राइट। हाँ, इसके इस टाइप की प्रिपरेशन करेंगे तो आप जब मीटिंग के अंदर जाते हैं तो आप बहुत सारे प्राइज भी विन कर सकते हैं, राइट। अपना नाम भी होता है प्लस कुछ पैसा भी, पैसा इन द सेंस प्राइज जो मिलती है वो हमारे बड़े काम की होती है चीज, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और कुछ टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि ये चीज और इम्प्रूव होना चाहिए था, इस बारे में आप हमको और बताइए, तो आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे जब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए मैं फ्रेंड ऐसा ही वीडियो बनाता। ठीक है, टेक केयर, बाय।